हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो राजस्थान ईओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट बुक कौन सी है, और मई में एग्जाम होना है ईओ आरओ का, तो आप 1-1.5 महीने के अंदर कैसे तैयारी करें कैसे नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की इसमें, क्योंकि बुक जानने से पहले हमें सिलेबस का भी पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस है इसमें। तो इसमें आप जो ऑफिशियल साइट है, इसमें देखो दो पार्ट्स में आएंगे। मैंने ये पूरा सिलेबस लिख लिया है, ऐसे आप भी लिख ले और प्रत्येक टॉपिक वाइज लिख ले, क्योंकि जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे उस पर क्लिक करते जाओ कि हाँ ये टॉपिक हमारा हो गया है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, मैंने पूरा सिलेबस लिख रखा है ये, तो इसमें दो पार्ट आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में है राजस्थान जी के इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर, इंडियन और राजस्थान दोनों पॉलिटी है और करंट अफेयर आएगी। तो इसमें हम राजस्थान जीके की बात करते हैं, तो राजस्थान जीके के लिए कोई अलग से बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो पहले से भी गाइड है, कोई भी पढ़ रहे हो आप, तो वो पढ़े आप। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, और क्योंकि आरपीएससी ज़्यादातर लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही देती हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन देती हैं, तो आप अच्छे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मेरे पास ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है, तो मैं पहले इनको पढ़ के मैंने इनको पढ़ लिया, और मेरे पास नोट्स भी हैं उत्कर्ष के, तो वो आपके नोट आपके पास नोट्स है तो नोट्स पढ़ो, या फिर कोई गाइड पढ़ रहे हो तो गाइड वही पढ़ो, एक्स्ट्रा बुक मत लो राजस्थान जीके के लिए। और फिर ये दो बुक्स आती हैं, इसमें ये क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के, 10-12 साल के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें एमसीक्यू आप सोल्व कर सकते हैं। राजस्थान जीके आपका ज्योग्राफी, और ये है ज्योग्राफी की, ये नया वर्जन है और ये पुराना है। तो इसमें ये इंडियन पॉलिटी की है, पॉलिटिक ने सॉरी इतिहास की, और ये है भूगोल की, आर्ट एंड कल्चर की। तो आप लास्ट ईयर क्वेश्चन यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो, क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर आप इतनी मोटी बुक लेके आओगे वो आप नहीं पढ़ सकते। जो आप पहले से मटेरियल पढ़ रहे हो उन्हीं को पढ़ो, राजस्थान जीके में अलग से मत पढ़ो। या फिर और जो हम बात करते हैं अब सेकेंड फर्स्ट पार्ट में पॉलिटी की, तो पॉलिटी भी आरपीएससी के अच्छे वाले क्वेश्चन देती है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पॉलिटी के नहीं आते। तो आपके पास या तो पहले से नोट्स होंगे कोई भी पॉलिटी के, वो पढ़ो। अगर नोट्स नहीं है, मेरे पास ये नोट्स हैं उत्कर्ष के, दो बुक्स हैं तो नोट्स हैं, मैं वही पढ़ती हूँ। अगर कोई फिर पतली सी बुक ले लो जो इंडियन पॉलिटी की है, तो अगर आप मतलब आगे फ्यूचर में जाके अगर आप अच्छे लेवल के आरएएस वगैरह की या फिर फर्स्ट ग्रेड की इनकी तैयारी करना चाहते हो, तो आपको मैं ये बुक सजेशन करूँगी कि आप ये लक्ष्मीकांत बुक जरूर लें, काफ़ी अच्छी बुक है ये। और अगर आपको हाई लेवल तक नहीं जाना है, नॉर्मल पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप नॉर्मल कोई भी गाइड ले सकते हो, लक्ष्य की ले सकते हो, जिसमें पॉलिटी पॉलिटी हो बस, और आपके पास नोट्स है तो नोट्स लो। और फिर क्या करना है कि आरपीएससी के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं आपको। और ये मैं मतलब जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको गुरु नोट्स में मिल जाएंगे, ऐप है गुरु नोट्स, तो मैंने आपको उसके बारे में पहले भी बताया था। गुरु नोट्स ऐप के डाउनलोड करके उसमें जो फ्री है वो लास्ट ईयर क्वेश्चन मिल जाएगी। लास्ट आरपीएससी बहुत अच्छे क्वेश्चन देती है उसके इंडियन पॉलिटी के, तो आप वो अच्छे से तैयार कर ले पॉलिटी। राजस्थान जी के तो फिर भी कर दोगे, अगर थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है तो कर दोगे, लेकिन पॉलिटी में घुमा के क्वेश्चन आते हैं तो वो आप अच्छे से तैयार कर लो। और करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर में कोई 1 ईयर की गाइड लेके आओ, मेरे पास सारे क्लासेस की है, मैंने एक्स्ट्रा नहीं ली। ज़्यादा बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं है, जो आपने पढ़ रखा है वही आपको पढ़ो, और कंटिन्यू जो 1 महीने की जो लास्ट में मैराथन क्लास आती है वो ले लो, क्योंकि पर डे की अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो अभी से तैयारी कर रहे हैं वो मैराथन क्लास लो, बार बार उन्हीं को रिवाइज करो करंट अफेयर में, और इससे आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। एंड अब बात करते हैं हम सेकेंड पोर्शन की, तो सेकेंड पार्ट में अब और ये एक दिशा की बुक है, तो इसमें भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हाई लेवल तक नहीं जाना तो आप ये बुक परचेज करो, लास्ट ईयर के नॉर्मल बुक करो, वरना आपको हाई लेवल तक जाना है इन फ्यूचर में, आपको आरएएस की तैयारी करनी है या फिर जो फर्स्ट ग्रेड की इसकी तैयारी करनी है, तो आप लक्ष्मीकांत ले लो, क्योंकि इसमें बहुत मोटी बुक है तो इतने टाइम में तो ये हो नहीं पाएगी। तो आपको मैं सजेशन करूंगी कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, और कोई पतली सी बुक लेके आप उन्हीं को तैयारी करो। और अगर आपको हाई लेवल तक जाना है तो आप ये करो। और करंट अफेयर की बात करें, मेरे पास ये है, और आप उत्कर्ष की भी ले सकते हो करंट अफेयर, कोई भी गाइड ले सकते हो, और मैराथन क्लास ले लेना, उसमें हो जाएगा आपका करंट अफेयर मेन। और मैराथन क्लास को बार बार रिवाइज करना है, मेन बात ये है, आप रिवाइज नहीं करते हो तो उस वो याद नहीं रहता। एक बार लेने के बाद में आपको 2-3 बार अगर क्लास को रिवाइज करोगे तो वो अच्छे से हो जाएगा कवर। आप कोई सी भी क्लास ले सकते हो किसी की भी, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं। और सेकंड पोर्शन की नगर पालिका की अधिनियम, तो मैंने ये बुक ले रखी है मूमल की, और इतनी 40 नंबर का आएगा सेकेंड पोर्शन, तो ये 100 पेज की बुक है, तो आप ये बुक ले लो। और इसके लास्ट में
एमसीक्यूज हैं टॉपिक के लास्ट में एमसीक्यूज है वो सोल्व करो, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करो, और इसके बाद में इतना सिलेबस होने के बाद में आपको इस साथ साथ भी रिवाइज करो, साथ साथ में मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो देने, इससे आपका हो जाएगा। क्योंकि इतना कंपटीशन ईओआरओ में इतना कंपटीशन नहीं है जितना अदर्स एग्जाम में होता है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। 1 महीने 1.5 महीना है आपके पास, तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।